हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार महतो और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ झारखंड सबसे अमीर राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोग आखिर गरीब क्यों हैं। तो वीडियो को एंड तक में बने रहिए, आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए ही शुरू करते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और आप लोग को बता दें कि झारखंड मांग की जो आंदोलन है वो इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से गिना जाता है। आप लोग को बता दें कि झारखंड मांग की आंदोलन 1912 से ही शुरू हो गया था, जब बंगाल से उड़ीसा और बिहार अलग हो रहा था उसी समय। लेकिन झारखंड मांग की आंदोलन में संख्या में कमी होने के कारण इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1939 में जयपाल सिंह मुंडा अगुवाई करते हैं झारखंड मांग की आंदोलन को, तो इसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसीलिए लोग जानते हैं अधिकतर कि 1938 या 1939 को ही झारखंड आंदोलन की शुरू हुई और ऐसे ही आंदोलन चलते रहे। इस आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और अंत में हम लोगों को 15 नवंबर 2020 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। आप लोगों को बता दें कि झारखंड अलग राज्य मांग की आंदोलन इसलिए भी छिड़ी थी क्योंकि यहाँ पे रहने वाले, मतलब कि छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले लोग और संथाल परगना में रहने वाले लोग के साथ अनदेखा किया जाता था। ना तो शिक्षा की सुविधा दी जाती थी, ना ही हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाती थी और केवल इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ के लोग ये भी देखते थे कि यहाँ का खनिज दूसरों जगह ले जाया जा रहा है और हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता, यह भी एक मुख्य कारण था। ये तो रही झारखंड बनने से पहले की बात। अब बात करते हैं झारखंड बन जाने के बाद की। तो आप लोग को बता दें कि अभी हो रहे हैं लगभग 21 साल। 21 साल में 11 बार मुख्यमंत्री चेंज हुए और 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, मतलब कि आप समझ सकते हैं 14 बार मुख्यमंत्री बना। मतलब कि 21 साल में अगर आप 14 बार मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है कहीं का, तो आप समझ सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या रही होगी। और जो भी मुख्यमंत्री बना वो 1 या 2 या 3 साल के लिए बना और उनमें से लोग ज़्यादातर अपने थैला भरने में लग गए। और इस दौरान कुछ नेताओं को तो जेल की हवा भी खानी पड़ी। उनमें से बीजेपी ही एक थी जो कि 5 साल सत्ता पर काबिज रही, जो कि पिछले ही साल रही थी। आप लोग को बता दें कि वो भी झारखंड के हित में कुछ काम नहीं कर सकी, इसीलिए उनको भी पिछला चुनाव हारना पड़ा। आप लोग को बता दें कि वहां के मुख्यमंत्री भी खुद हार गए। इनका मेन रीजन था कि इन्होंने झारखंड के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। और आप लोग को बता दें कि जो भी काम हुआ वो केवल बाहरियों के हित में हुआ था। इसीलिए आप लोग तो जानते ही होंगे कि झारखंड में देश की कुल खनिज संपदा के 40% भाग मिलते हैं। उनमें से कोयला, अभ्रक, यूरेनियम आदि बहुत सारे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। और झारखंड में बैठे फैक्ट्रियों में ज़्यादातर बाहरियों को ही रखा गया है, जिसके चलते झारखंड के लोग फैक्ट्रियों के बाहर बैठे छिटपुट आंदोलन करते रहते हैं। झारखंड में अभी तक भी ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि जॉब के लिए झारखंडियों को ही प्राथमिकता दी जाए। हाल ही में भारत में एक सर्वे किया गया कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो उनमें से झारखंड का रैंक निकला वो 2nd लास्ट निकला। आप लोग को बता दें कि 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं झारखंड में। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं इसके बारे में जान गए होंगे। अगर जान गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले झारखंड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।